हैशटैग रोड ट्रिप इन विद रॉकी एंड हिस्ट्री टीवी 18 सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय महाराष्ट्र टूरिज्म में आप सबका स्वागत है। मैं आ गया हूँ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस में इन ऑल ऑफ महाराष्ट्र और ये खूबसूरत बिल्डिंग मेरे पीछे जो है इसका नाम है शनिवार वाड़ा। दुनिया में कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैवलरीज एवर इन हिस्ट्री वॉज द मराठा कैवलरी और मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मराठा कैवलरी का। और यहाँ पर पेशवास जो थे द माइट ऑफ द मराठा एम्पायर यानी कि जो इनका कल्चरल और कैपिटल था पुणे कल्चरल कैपिटल और कैपिटल वहाँ पर है ये शनिवार वाड़ा 1732 में बनाया गया बाय पेशवा बाजीराव वन। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है इसके बारे में आपको और बताते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पुणे में स्टार्ट तो हम कर रहे हैं लेकिन आज शाम को हमारी गाड़ी जाके कहाँ रुकेगी ये आपको बताना है। और उन लोगों ने जिन्होंने परसों हमें बताया था कि हमारी गाड़ी पुणे रुक रही है उनके नाम मैं अनाउंस करूँगा जैसे कि आपके करूँगा कल अगर आपने सही गेस किया तो उनके नाम है एज फॉलोज। ध्यान दीजिए प्लीज ट्विटर पर पुष्पिंदर _23 यानी कि पुष्पिंदर सिंह, यूट्यूब पे पुष्पिंदर सिंह, इंस्टाग्राम पे पुष्पिंदर सिंह जो अंडा हैट्रिक हो गई पुष्पिंदर और फेसबुक पे करुणा शर्मा। तो ये थे नाम उन लोगों ने जिन्होंने करेक्ट गेस किया। अब आपने भी करेक्ट गेस करना है और गेस करके बताइएगा कि आज शाम को हम कहां जाएंगे लेकिन फिलहाल आपको अंदर लेके जाते हैं और दिखाते हैं खूबसूरती शनिवार वाड़ा की। तैयार हो जाइए रास्ता ब्लॉक मत कीजिएगा। इन शानदार गेट्स के भीतर से हाथी निकल सकते हैं घोड़े निकल सकते हैं कुछ भी हो सकता है। शनिवार वाड़ा शनिवार वाड़ा में है बहुत सारी खूबसूरत चीजें उनमें से है एक ये इसका नाम है हजारी कारंजे। ये पेशवा सवाय माधव राव ने बनवाया था 80 फीट इन सर्कमफेरेंस 16 जेट्स हैं 16 इसके पेटल्स हैं कहते हैं 196 स्प्रेज हैं इसके अंदर टोटल। और जब ये फाउंटेन चलता था तो सूरज जो है वो हजारों रेनबोज इसके आसपास बनाता था। यहाँ पर बैठ के पेशवा इसको एंजॉय किया करते थे और कहते हैं इसके जैसा फाउंटेन उस टाइम दुनिया में और कहीं नहीं था एक्सेप्ट ट्रेवी फोंटाना या ट्रेवी फाउंटेन जो रोम में है। तो जब ये फुल अपनी ग्लोरी में होगा तो इसको देख के अद्भुत सी एक नजर एक लगता होगा बिल्कुल एक खूबसूरत जब ये फुल ही चलता होगा। तो ऐसी खूबसूरती इकट्ठी की गई है पेशवाओं ने यहाँ पर इस खूबसूरत इलाके में। पर यही नहीं और भी बहुत चीजें हैं देखने लायक। जब आप शनिवार वाड़ा के आसपास चलेंगे तो आपको दिख जाएंगे छोटी छोटी सरप्राइजिंग फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री जैसे कि ये है रेजिडेंस दादा साहेब पेशवा रघुनाथ राव जी की और ये थे रिस्पॉन्सिबल क्लेमिंग द टेरिटरी ऑफ पेशवा अप टू अटॉक इन अफगानिस्तान ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ हिज नेफ्यू नारायण राव पेशवा। लेकिन यहां से लेके अटॉक अफगानिस्तान तक पेशवा का इन्फ्लुएंस था और ये मुझे नहीं पता था। इनक्रेडिबल। और ये है एक बेस्टियन बिल्कुल सदर्न एंड में शनिवार वाड़ा के यहां पे बने हैं गन पोर्ट्स। तो यहाँ से आप देखें यहाँ से बंदूक रखी जाती थी अंदर और यहाँ पे खड़े होके अटैक या डिफेंस किया जा सकता था इस एरिया के लिए। तो 9 ऐसे बैस्टियंस हैं सब तरफ से और अगर आप बैस्टियन से डिफेंस करना ना चाहें और साथ में दीवार पे चलना चाहें तो इनको बोलते हैं रैमपार्ट्स यानी कि यहाँ से लेके आगे तक सोल्जर्स खड़े होके यहाँ से युद्ध करा सकते थे ऐसे। कई लोग जो हैं वो खंडर देख के यहाँ पे जो पत्थर पड़े हैं यहाँ पर वो देख के सोचते हैं कि यहाँ पर पूरा पैलेस पत्थरों से बना था पूरा डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो सारा का सारा शनिवार वाड़ा था दीवारों को छोड़ के उसके अंदर जाके फाउंडेशन के बाद सारा वुडवर्क था जो टीक थी फाइनेस्ट दुनिया भर से और वो टीक बहुत ही खास थी। तो जब आग लगी तो यहाँ पे सब बर्बाद हो गया और इसकी खूबसूरती जो थी वो कहते हैं देखते ही बनती थी लेकिन खैर वो पुरानी बात है। और इस टाइम पे आप आएंगे अगर थोड़ा इमेजिनेशन आप लगाएं तो आपको स्केल साइज और ब्यूटी का अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। 27 फरवरी 1828 में यहाँ पे जो आग लगी थी सब ध्वस्त हो गया उसके अंदर सब तबाह हो गया लेकिन ये छोटा सा एक हिस्सा बचा है और इसे देख के पता चलता है कितनी खूबसूरत होगी ये जगह। जो पेशवास थे देवर वन ऑफ द माइटीएस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड यानी कि पेशवा एम्पायर जो था मराठा एम्पायर जो था अपने टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर में था दुनिया के रिचेस्ट कल्चरली एनहांस्ड म्यूजिक डांस आर्ट कला सब पेशवास के अंडर मराठा एम्पायर में अपने जेनिथ पे पहुंची। अगर यहाँ पर खड़े हो के आप इस वुडवर्क को भी देखें कितनी खूबसूरती से बनाया गया है कितना मजबूत है कितना सॉलिड है ऐसा काम आपको अब और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है।
तो जब आप पुणे आए, याद रखिए शनिवार वाड़ा आए, अपने देश की पुरानी हिस्ट्री का पार्ट बने और प्राइड लें इस खूबसूरत जगह में। मुझे तो यहाँ खड़ा होकर एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस दिख रहा है, छाती फूल जाती है यहाँ पर आके, इतनी खूबसूरत जगह है ये। देखिए शनिवार वाड़ा की खूबसूरती को ऐसी कई चीजें थी जो चार चांद लगाती थी। 7-story बिल्डिंग थी यहाँ पर एक, उसके बाद जो छतें थी पैलेसेस की उसके अंदर कार्विंग की गई थी बहुत खूबसूरत, बेल की, फूलों की, ऐसी कई चीजों की। मिरर वर्क से सराउंडेड हॉल्स थे, डांसिंग कोर्टयार्ड्स थे, नाच गाने का पैलेस था। तो कल्चर और आर्ट्स में शनिवार वाड़ा देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। वेलकम टू द रेड पैलेस, यानी कि लाल महल में आपका स्वागत है। शनिवार वाड़ा के बिल्कुल साथ में है ये खूबसूरत पैलेस, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शाहजी राजे भोसले ने 1630 में इसे बनाया था और उनकी फैमिली यहाँ पर आके रही थी, और उनके बेटे, जी हाँ, महाराष्ट्र में सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जब छोटे थे तो उनका बचपन यहीं गुजरा था। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, शनिवार वाड़ा के बिल्कुल साथ है, बस सड़क पार करते ही। तो जब आप वहाँ पर आएँ, यहाँ पर ज़रूर आके अपना माथा टेकें, मंदिर से कम नहीं है ये जगह। जूते पहनना अलाउड नहीं है, चप्पल पहन के आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर लोग बहुत प्यार से आते हैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। और ये वही पैलेस है जहाँ पर फेमस स्टोरी थी, शाइस्ता खान जो थे, जो औरंगजेब के अंकल थे, उन्हें यहाँ भेजा गया था मराठा एम्पायर को तोड़ने के लिए, जो यंग मराठा एम्पायर था छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो यहाँ पर आके 3 साल उन्होंने इस एरिया को कॉन्कर किया, कब्जा किया इस एरिया पे, और फिर एक रात को शिवाजी महाराज और उनके आदमियों ने एक रेड कंडक्ट करी, बहुत ही डेयरिंग रेड, जहाँ पर उन्होंने शाइस्ता खान को अटैक किया इस पैलेस के अंदर। भागते भागते शिवाजी महाराज ने जब तलवार चलाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तो शाइस्ता खान की उंगलियाँ कट के गिर गई, और ये यहीं की घटना है। ऐसी और भी बहुत कहानियाँ हैं, काश हम अंदर जाके दिखा सकते हैं आपको, लेकिन फिलहाल अंदर जाना अलाउड नहीं है फोटोग्राफी करने के लिए। तो आप बाहर से देखिए इस पैलेस की खूबसूरती।